श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 4 गजेंद्र का वैकुंठ गमन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। स्वर्ग लोक में दुंदुबिया बजने लगी। गंधर्व लोक के वासी नाचने और गाने लगे तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद गड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझ कर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए वह उपयुक्त स्तुतियां करने लगा। भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वह सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। चूंकि भगवान ने गजेंद्र का अपने कर कमलों से प्रत्यक्ष स्पर्श किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाला बन गया। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला,
इंद्रद्युम्न तनिक भी वज्र नहीं है। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रद्युम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान पे चले गए। क्योंकि राजा भक्त था, अतएव उसने अगस्त्य मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे यह स्मरण रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से अर्थात घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत को छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और गजेंद्र को भी अपने साथ लेते गए। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुह स्वप्न नहीं देखते। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुह स्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना, चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की तीन चोटियों, मेरे सुहावने धाम क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्री वत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कुमोदकी नामक मेरी गदा, मेरे सूरदर्शन चक्र तथा पांच जन्य शंख, मेरे वाहन पक्षी राज गरुड़, मेरी शैया शेष नाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों
यथा मत्स्य कुर्म तथा वराह मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार मंत्र परम सत्य समग्र भौतिक शक्तियों गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं गंगा सरस्वती नंदा तथा यमुना नदियों ऐरावत हाथी ध्रुव महाराज सप्त ऋषि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। हे प्रिय भक्त जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस उपदेश को देकर ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान ने अपना पांच जन्य शंख बजाया और इस तरह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।